खबरों को विस्तार से देखते हैं। इलाहाबाद में बीजेपी की मेयर पद की प्रत्याशी ने अपने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। सोशल मीडिया के साथ साथ डोर टू डोर कैंपेन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। खास बात यह रही कि इस बार दिल्ली से युवा मोर्चा की टीम भी प्रचार में पहुंची। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें संगम नगरी इलाहाबाद की है, जहां पर मौजूदा मेयर अभिलाषा गुप्ता की जीत एक बार फिर सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खुद अभिलाषा गुप्ता के पति और सूबे के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। हर दरवाजे पर दस्तक देने की कोशिश हो रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक किए गए कामों को उपलब्धि के तौर पर गिनाया जा सके। नंदी को पूरा भरोसा है कि जो काम अभिलाषा गुप्ता ने किए हैं, उसके बदले जनता उन्हें दोबारा मेयर जरूर बनाएगी। अभिलाषा गुप्ता मेयर यही हैं जो घर घर खटखटा चुके हैं, पैर में छाले पड़ गए, छाले पड़ के फूट गए, मेरे भी और अभिलाषा जी की भी, हमारे समर्थकों के भी। तो हम काम और मेहनत के बल पर और चुनाव में आए हैं। जीत पक्की करने के लिए दिल्ली युवा मोर्चा के नेता पंकज जैन की अगुवाई में एक पूरी टीम भी वहाँ पहुँची है, जो गली मोहल्लों में घूम घूम कर मोदी सरकार और योगी सरकार की उपलब्धियों को बता रही है। तो ये हम लोग हर जगह जाके सबको बताना है कि कैसे कैसे मोदी जी ने भ्रष्टाचार मिटाया है। तो अब ये बारी हमारी है कि हम गली गली तक जाके बताएं कि भाजपा सरकार की वजह से देश का नाम कितना रोशन हुआ है। भाजपा सरकार को गली तक भी लाना है, उसको सपोर्ट करें। इतना ही नहीं, बकायदा एक आईटी सेल भी काम कर रही है, जो सोशल मीडिया पर अभिलाषा गुप्ता के समर्थन में कैंपेन चला रही है। माइक्रो स्ट्रेटेजिक लेवल पे ये प्लानिंग होगी, पूरी टीम दिल्ली से आई है, चाहे वो सोशल मीडिया की प्लानिंग हो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो, हर चीज को 7 दिन में बदल दिया जाएगा। इलाहाबाद में 24 नवंबर की शाम को प्रचार थम जाएगा। ऐसे में अगले 7 दिन तक बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार करेंगे, ताकि अभिलाषा गुप्ता की सियासी जमीन और मजबूत हो सके। इलाहाबाद से पवन देव के साथ टीम न्यूज़ 1 इंडिया।